सौंफ के फ़ायदे के बारे में क्या आपको पता है? सौंफ कितना फ़ायदेमंद है? सौंफ बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही फ़ायदा करता है सौंफ। सौंफ हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखता है, खाना को डाइजेस्ट करने का काम करता है, साथ ही हमारे ये पेट दर्द में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और सौंफ के बहुत से फ़ायदे हैं, सौंफ के बहुत अधिक फ़ायदे हैं जितने के बारे में शायद हमें पता भी ना हो। तो सौंफ के फ़ायदे और नुकसान के बारे में तो हम बात करेंगे ही, कहाँ फलता है, कहाँ पे उगता है, सौंफ का पेड़ कैसा होता है या पौधा कैसा होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सौंफ कहाँ फलता है, कैसे फलता है, कैसा दिखता है। जब हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जब हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो उसके बाद जो है हमें सौंफ खाने के लिए दिया जाता है, सौंफ या मिश्री हमें दिया जाता है, दोनों ही मिक्स होता है सौंफ और मिश्री, तो वो हम खाते हैं। फिर गर्मी में हम सौंफ का शरबत पीते हैं। तो क्या हमें पता है कि सौंफ और मिश्री जो हम खाते हैं वो क्यों खाते हैं? हम कहीं भी बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो खाना खाने के बाद, डिनर या लंच करने के बाद जो है किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में हमें जो है सौंफ और मिश्री दिया जाता है सबसे लास्ट में, जो कि हम खाते भी हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। और इवन हम घर में भी खाना खाते हैं या कोई गेस्ट भी आते हैं तो घर में भी खाना खाने के बाद जो है हम सौंफ और मिश्री का यूज करते हैं। तो सौंफ और मिश्री का यूज जो है हम खाना खाने के बाद क्यों करते हैं? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। खाना खाने के बाद हम सौंफ और मिश्री का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके बाद खाना खाने के बाद हम बहुत सी चीज़ें जो ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह में स्मेल यानी कि बदबू उत्पन्न करते हैं, उन्हें भी दूर करने के लिए हम सौंफ खाते हैं, क्योंकि सौंफ हमारे मुँह की बदबू को भी दूर करने का काम करती है, खाना डाइजेस्ट करती है, हमारे मुँह की बदबू को दूर करती है। फिर उसके बाद जो है पेट दर्द में भी बहुत फ़ायदा करता है। अनिद्रा में हमें नींद नहीं आती है उसमें भी फ़ायदा करता है। और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कि सौंफ बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत अधिक फ़ायदा करता है। इसी तरह का है मोटापा, जो आज की डेट में सभी लोग स्लिम ट्रिम रहना चाहते हैं, सभी की ये मतलब कि चाहत होती है कि वो स्लिम हो, स्लिम ट्रिम हो, उनके बॉडी पे फैट अधिक ना हो। तो इसमें भी जो है सौंफ बहुत ही लाभकारी होता है। और जबकि गर्मी आ चुकी है तो गर्मी में जो है हमें हमेशा एकदम कूल ड्रिंक्स की आवश्यकता होती है, हमें मन करता है कि कुछ हमें ठंडा ठंडा पीने के लिए मिले। तो इसमें भी है कि हम सौंफ का शरबत बनाकर पी सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सारी बातों को साइड करते हैं, उसके बाद जाके हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको पता है जिस सौंफ का हम यूज कर रहे हैं या जिस सौंफ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये इतना अधिक फायदा करता है, ये हमारे लिए इतना उपयोगी है, तो वो कहाँ होता है, उसके पेड़ या पौधे जो भी हो वो कैसे होते हैं, क्या आपने देखा है? अगर नहीं देखा है तो मैं आपको वो अभी दिखाती हूँ कि सौंफ कहाँ फलता है, कैसे फलता है और कैसा दिखता है। सौंफ पेड़ में होता है, पौधा में होता है, क्या में होता है आप वो देखकर खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सामने है ये सौंफ का है और इसमें आप देख सकते हैं कि सौंफ लगा हुआ भी है। तो ये जो सौंफ का है इसे पेड़ तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, तो इसे हम पौधा कह सकते हैं कि सौंफ का पौधा है ये, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत है ये सौंफ का पौधा। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो है सौंफ की कली है, ये कली आई हुई है, फिर कली के बाद जो है ये फूल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, पूरा गुच्छा में है। जिस तरह से ग्रेप्स गुच्छे में फलते हैं उसी तरह से जो है ये गुच्छे में है, ये सौंफ का फूल है। आपने देखा कि ये सौंफ की कली है और कली के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सौंफ का फूल भी खिला हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और गुच्छे में है, समूह में कह सकते हैं। तो इसके बाद
जब ये लास्ट हो जाता है फूल का, उसके बाद जिस तरह से सीड्स लगते हैं किसी भी पौधे में, तो उसी तरह से ये जो सीड्स हैं, इस फूल के जो सीड्स हैं वही सौंफ हैं, उसे ही हम सौंफ करते हैं और वही सौंफ की तरह हम यूज भी करते हैं उसी को। तो आप जबकि यहाँ पे सौंफ की कली भी देख चुके हैं, सौंफ के फूल को भी देख चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सौंफ भी लगा हुआ है इस पौधे में। तो आप देख रहे हैं ये जो बीच में दिख रहा है, ये पूरा सौंफ बन चुका है। ये पूरा जो लंबा लंबा ऐसा है, पूरा फूल जो था वो से ये सौंफ बन चुका है। और ये सौंफ है जिसे हम यूज करते हैं और जिसके बारे में हमने अभी बहुत सारी बातें की कि इसका ये यूज है और ये इतना फायदा करता है। तो आप देख सकते हैं ये सौंफ बन चुका है, हालांकि अभी पूरी तरह से ये रेडी नहीं हुआ है, इसे रेडी होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये सारे मेरी सौंफ नहीं बना, ये सारे सौंफ नहीं बना, इसमें सौंफ बन चुका है लेकिन अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। इसे आप ये कह सकते हैं कि ये सौंफ का जो है, सौंफ बनने के इनिशियल स्टेज में है, ये भी रेडी नहीं हुआ है, तो इसमें सौंफ बन चुका है। इसके अलावा और भी कहीं सौंफ बन चुका है या बनने के ये में है, वो भी हम देखिए। इसमें भी सौंफ नहीं बना है, और कहीं है जो सौंफ बन चुका है। हाँ, आप ये एक देख सकते हैं, इसमें भी सौंफ बनना चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है इसमें भी सौंफ बनना। हालांकि अभी जो है फूल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लगा हुआ ही है, तो ये जो है इसमें भी सौंफ बनना स्टार्ट हो चुका है। तो अब देखें कि ये सौंफ का पौधा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, इसके अलावा इसमें भी सौंफ बनना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत है, के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज़ का पौधा होता है, किस चीज़ का पेड़ होता है, वो कहाँ उगता है और किस तरह का उगता है। तो उन सारे लोगों के लिए है कि वो देख सकते हैं कि ये सौंफ जो है कहाँ फलता है और उसका जो पौधा होता है वो कैसा दिखता है। ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आप इसे कह सकते हैं। मैंने भी इसे पहले नहीं देखा था और मुझे भी नहीं पता था कि सौंफ का पौधा ऐसा होता है। सौंफ का पौधा मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है और सौंफ को फलते हुए भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ये हमारे आंगन में लगा हुआ है और इसे हमने लगाया नहीं है, बल्कि जो छठ होता है ना, तो छठ में जो सूप पे सौंफ वगैरह डला हुआ होता है, तो उसी में जब अर्घ डालने टाइम उसके दूध गिरने की वजह से वो सौंफ फूल चुका था। तो वो सूप जब फूल गया तो उसे हमने ज़मीन में ऐसे ही फेंक दिया और उसी से ये सौंफ का पौधा निकल चुका है। और ये जबकि बहुत ही अच्छा हुआ, ताकि हमें भी देखने के लिए मिल गया, हमें भी पता चल गया, वरना हम भी वैसे ही लोगों में शामिल होते जिन्हें कि पता ही नहीं है कि सौंफ कहाँ उगता है, कैसा होता है, उसका पौधा पेड़ है, पौधा है, लत है, पता नहीं क्या है। तो ऐसे लोगों में हम भी शामिल होते, तो आज हम ये कह सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों में शामिल नहीं है, मुझे पता है कि सौंफ का पौधा कैसा होता है और हमें पता है, तो मैंने आपको भी दिखा दिया। अब आप भी ये कह सकते हैं कि सौंफ का पौधा है और हमने सौंफ के पौधे को देखा, तो
बहुत ही खूबसूरत होता है और सौंफ बनने का जो प्रोसेसिंग है वो कैसे होता है और उस टाइम वो कैसा दिखता है वो भी आप बता सकते हैं।